Oh my God! This is Haseena Mallik? This is the S.H.O? वही तो, यही तो कमाल है हमारी मैडम सर का, हाँ? हम भले ही सब भूल जाए मगर मैडम सर कभी प्रथा नहीं भूलती. What प्रथा? प्रथा माने संस्कृति, धरोहर, परंपरा, प्रथा. Ooh, whatever this प्रथा, परंपरा, what are you saying? परपरपमपम, परंपरा. होता है. एक मिनट, यहाँ, यहाँ, यहाँ. वो क्या है ना, आज के दिन ना सारे लखनऊ शहर के जितने भी सारे थाने हैं ना, वहाँ के सारे ऐसे जो अपने लोगों का सब मंगल हो, इसलिए ऐसे ही वेश परिधान करके ऐसा नाच करते हैं. तू बेबी, आई एम एन इंडियन, ओके, एंड दिस लखनऊ में महाराष्ट्र. हाउ मा? वही तो, हमारे थाने के लिए ना इस साल हमने तय कर लिया था कि हम महाराष्ट्र का तड़का दिखाएंगे. ये बाप रे, ये माँ, माँ बस करो, चली जाओगी बाहर. और जानकीपुरम थाने में तो पता है आपको, वहाँ के ऐसे जो जो है ना, वो बुलबुल पांडे जी, वो तो पहाड़ी तड़का डांस करने वाले हैं. ओह बेबी, अरे ये कौन है? अरे इन्हें नहीं पहचाना. बताया तो था. नहीं यार, कौन है? यही तो है वो महान लेखिका जो हमारे पुलिस विभाग पर इतिहास लिखने आई है. हाँ, आर वाई के के. रिया, ये तूने क्या किया? एग्जैक्टली. What the hell? What is this? प्रथा, प्रथा, परंपरा. हाँ, this is bad manners, Poo. हाँ, आपके लिए, मगर हमारे लिए ये परंपरा है. क्या रे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्या बोलती? मैं सुना कि तू इधर किताब विताब लिखने को आई है, कमिश्नर की बेटी है. अब एक बात कान खोल के सुन, तू तू किसकी बेटी है कि इधर से आई है उसको रखने का बाजू में? इधर जो काम करने के लिए आई है, तुम्ही चुपचाप वो काम कर, सबको जय हिंद बोल और वंटा सो इधर से. जास्ती किसी को परेशान करने का नहीं, मेरे को पकाने का नहीं. डू नॉट डिस्टर्ब. कर लगा. नुंडे लाने से कुछ नहीं होगा, मुझसे बोल. ओके फाइन, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट एवर, आई मीन नो, यस. ए, इसका हिंदी सबटाइटल कौन रे? प्लीज टॉक टू मी, आई एम टेरी हर. इन्होंने जो कुछ बोला है इसका मतलब वो समझ गई है. हाँ, समझ गई, समझ गई. ओह माय गॉड, लीलू ध्यान रखा, टेक केयर. इतिहास, इतिहास में नाम लिखवाएंगे, ऐसे नाम लिखवाएंगे. यहाँ तो देखो एक बार, पुष्पा जी की हालत देखो, क्या से क्या हो गई. हाँ वही तो, जिन हाथों में कभी पुलिस का डंडा हुआ करता था, आज बर्तन मांजने वाला का था. इस किताब की वजह से. नहीं, नहीं. माँ क्या हुआ? What the hell? What is this? हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए. नो 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 पू बेबी, आई एम रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. हम कह रहे हैं ना, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा इतना जोर से नहीं चिल्लाएंगे हम. नो पू बेबी, इट्स नॉट यू. मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ. दिस इज ऑल दिस हसीना मलिक. कैसे बात कर रही थी वो मुझसे? आई मीन सो बैड, सो रूड. कितनी ऑपोजिट है वो जो मैंने सुना था उसके. जो कहावत होती है ना, जो सुनिए आपने, आई मीन द दर्शन बड़े बड़े एंड समथिंग छोटे लाल छोटे छोटे. नहीं नहीं नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे. हाँ. ये कहावत सेम टू सेम. एग्जैक्टली, ये ऐसे नहीं बात कर सकती मुझसे. जाने दीजिए ना वो, अब उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं. नो 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 पुष बेबी, नो, नॉट एट ऑल. तुम जानती नहीं हो, ऐसे लोगों को ना
आई मीन हसीना मलिक को मैं ऐसे ऐसे चुटकियों में जस्ट डैड को कॉल करके निकलवा सकती हूँ लाइक इन अ मिनट. नहीं 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 ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना. ऐसे सोचना भी मुझे ऐसे बिल्कुल करूंगी. आई मीन ये नहीं करूंगी बट मुझे किताब लिखनी है. आई कांट डू दिस टू माई सेल्फ. मुझे अपनी बुक पूरी करनी है. आई कांट बी सो अग्रेसिव. राइटर्स आर नॉट अग्रेसिव. आई नीड टू बी ओके. या फोकस सेल्फ कॉन्फिडेंस का फोकस. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अपने किताब पे वो करो. राइट टू बेबी राइट. एक राइटर का वेपन उसका पेन होता है और थॉट्स होते हैं उसकी पावर यू नो. और एक राइटर से पंगा लेना इस हसीना मलिक को कितना हैवी पड़ेगा वो जानती नहीं है. भाई मैया की सासू मैया क्या कर रही हो तुम. एक मिनट रुको. कुछ तो लिहाज कर लो. तुम थाने में हो मैडम सर बनी हो. ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने हा? और बाहर क्या नाच गाना कर रही थी तुम. तुमको बोला है ना जब तक यहाँ हो कायदे में रहोगी. मैडम सर के नाम का फजीहत नहीं होना चाहिए. कहा था ना बाहर लेखिका आई हुई है थोड़ा कायदे में रह लेना. नहीं करना था ये सब और वही तुमने किया है. मेरे को उसका थोबड़ा पसंद नहीं आया. क्या है ना बहुत सारे लोगों को थोबड़ा ही चैसा होता है कि देखकर बेइज्जती करने का मन करता है. तो बाहर नाच गाना करोगी जाके हाँ. और कोई काम नहीं था. अरे डार्लिंग वो तो सच में फेस्टिवल है. मेरे दामोदर वाड़ी में सब मेरे बिना मना रहे हैं तो मैं इधर मना रही थी. लेकिन देख एक बात तो 100% बराबर है ना. वो झेबरा क्रॉसिंग रियाटिया को मेरे सामने आने मत देना. नहीं तो देगी इस बार रख के उसको. कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा समझी. किसी का नाम आए ना आए मैडम सर का नाम इस ऐतिहासिक बुक में आना चाहिए. इसलिए तुम्हें कायदे में रहना होगा मैडम सर के लिए. और बहुत अच्छा होगा कि अगर अब तुम ये अपना हुलिया चेंज कर लो अगर तुम्हारा फेस्टिवल हो गया होगा तो. ठीक है और यहीं रहना इसी केबिन में. यहाँ से बाहर मत आना. मत कीजिए ऐसा करिश्मा सिंह. प्लीज मत कीजिए. हमारा जाना और मुश्किल हो जाएगा. जाने दीजिए हमें. यही ठीक है सबके लिए. प्लीज ऐसा मत कीजिए. क्या लिख रही है. हमारी तारीफ में भी कुछ लिख रही है या नहीं. Right. Okay. No. देखा नहीं होगा हमें. मी आप के अलावा है कौन यहाँ. पुष्पा जी. क्या पुष्पा जी है. ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय. वेट. पीजिए बहुत टेस्टी है. जिसके हाथ का चाय पी के शहर का सांप कांपता है और आपको इसका चाय अच्छा लगा. ऐसा भी कहा बना दिया. पिलाओ. हाँ पिलाओ. अरे करिश्मा जी आप मत पीजिए. ये लीजिए पिलाओ.
हमें माफ कर दीजिए करिश्मा जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। का सॉरी? जब इतना अच्छा चाय बनाते हो तो इतने सालों से हमें ऐसा जहरीला चाय बना के काय मार रहे थे टोपा इंसान? बू बेबी। हाँ वेस बू भैया। एक मिनट, बू भैया ये क्या है? अरे जैसे हम पुष्पा से बू हो गए ना, वैसे बिल्ला बिल्लू से बू हो गया। बू। अच्छा हम करिश्मा ये। नहीं नहीं आपका नाम भी छोटा कर दिया है। कैश। हाँ कैश 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 कैश। तुम कटो। वैसे तो आपका क्रेडिट चलता है हमारे यहाँ। अब आप। थैंक्स बर्ड। वो बेबी क्या कैश अच्छा नहीं लगता सुनने में? बहुत अच्छा है। आउच मस्किटो। ओह माय गॉड वो भैया कहाँ है? मैंने उनसे कहा था ना मस्किटो रेपेलेंट लेके आने के लिए। ओह माय गॉड दिस इज चेंज मैन माय जैकेट। पता नहीं कहाँ रह गए नालायक। पहनो पहनो। तुम मच्छर नहीं काटेंगे अभी। हाँ सॉरी। इट्स ओके। थैंक्स लव। करिश्मा मैडम करिश्मा मैडम। भेड़िया 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 भेड़िया। I will protect you. कौन हो? क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखानी है हमको। ये बाप ये क्या? सॉरी। ये क्या? इसकी वजह से? नहीं। फिर? ऐसे ही सारा एरिया हम पर हंस रहा है। भेड़िया भेड़िया बोल करके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हंसने लगता है भेड़िया? जिसको देखो पत्थर मार रहा है कोई, कोई पीछे पीछे दौड़ रहा है। शांत शांत आप एक बार शांत हो जाइए। अब हमें थोड़ा डिटेल में अपनी समस्या बताइए। समस्या क्या है आपकी? इधर ऐसे अकेले मत रहो। आई विल प्रोटेक्ट यू ना। ये है। ये है समस्या। करेक्ट है। ऐसे ही ऐसे ही परेशान हो गए हम। बताइए इंसान से हैवान बना दिया हमको उस डॉक्टर ने। पूरा लाइफ खराब कर दिया है हमारा। आप शांति से सबसे पहले बैठिए फिर हमें अपना प्रॉब्लम अच्छे से और डिटेल से बताइए। आइए बैठिए। आई टेक केयर ना। सिट। थैंक्स बू भैया। बू भैया जी विस्तार में बताइए आप। हमारा नाम वरुण त्यागी है मैडम जी। आगे? अगला महीना हमारी शादी है मैडम, तो हम सोचे कि हमारा सर पर थोड़ा सा बाल होगा। लेकिन क्या गलत सोचे बताइए। तो चले गए हम बाला हेयर क्लिनिक। लेकिन उनके क्लिनिक के थेरेपी के देखिए साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से हम सबका सामना करेंगे मैडम। हमारा तो जीवन खराब कर दिया उस डॉक्टर ने मैडम। बाल कटाते 6 घंटे में वापस आ जाता है। हम क्या करें बताइए। मैडम आपने रिपोर्ट लिखी है। क्या लगता है पुष्पा जी आपको यहाँ फिरंगी ऐतिहासिक रूप में पुलिस विभाग के लिए क्या लिखेगी? अगर ऐसे बाल सुलभ केस आएंगे तो कैसे चलेगा? भाई साहब हम समझ रहे हैं आपकी समस्या, पर आप यहाँ काहे आए हैं? नहीं मतलब आपको इसके लिए बेस्ट रहेगा जानकीपुरम थाना। SHO बुलबुल पांडे जी हाँ वो आपकी समस्या का ऐसा ऐसा हल निकाल देंगे। आप वहाँ जाइए। एक मिनट एक मिनट भाई साहब एक मिनट। जरा यहाँ आइए यहाँ आइए। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? ये लड़की सब देख रही है। आप ऐसे ही थाने में आए हुए केस भेज देंगे वापस तो फिर क्या इम्प्रेशन होगा हमारा, मतलब हमारे थाने का? देखिए ऐसा है कि हमको इस टोपागिरी में नहीं पड़ना है। ऐसे फालतू केस का हिस्सा हमको नहीं होना है समझे आप? करना पड़ेगा होना पड़ेगा। देखिए सोचिए ना ये केस भी तो कितना मामूली है ना, यूं सुलझ जाएगा। हमको ये चूरनगिरी नहीं करना है। आप सुलझाइए ये केस अगर आपको बहुत मामूली लग रहा है तो। हम जा रहे हैं अपने स्तर का केस ढूंढने ठीक है? आप लोगों का खुसर पुसर हो गया होगा तो हमें बताएंगे, हमें क्या करना है? हमारा रिपोर्ट लिखेंगे आप? नहीं वही हम इनको बता रहे थे कि जानकीपुरम थाना सबसे बेस्ट है आपके लिए। बुलबुल पांडे जी आपका केस यूं सॉल्व कर देंगे, आप वहां जाइए ठीक है? I'll come with you.
Where are you going? हाँ? Duh. कहाँ जा रही हो? रूटीन बीट पे जा रहे हैं, देखने की शहर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। Really? Oh my God! Like routine beat? Oh my God! Male thanas का बहुत देख लिया, अब female thanas का routine beat देखूंगी। Amazing! I'm gonna write on it. I'm coming with you. हाँ हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे महिला पुलिस थाने का इस शहर में क्या प्रभाव है। प्रभाव? Whatever. Thank you. You. It's dirty. A bed? Clean है? अरे सुंदरी, कैसी सुंदरी है? ये ले जाओ। अब पूरा चकाचक कर दिया, अब शक्ल दिखेंगे, देखिए। Really clean. Thank you. I'm welcome. Oh. करिश्मा जी जरा संभाल के लेके जाइएगा। ए, जाओ अपना काम करो जाके। हाँ। Bye. देखिए, आप अभी भी यहीं बैठे हैं। मैडम ने कहा ना कि आपको न्याय जो है वो जानकीपुरम थाने में ही मिलेगा, तो आप वहीं जाइए ना। आप गलत थाने में आए हैं। नहीं मैडम, हम एकदम सही थाना में आए हैं। और पता है हमारा जो केस है ना, ये भी महिला अपराध संबंधी केस ही है। महिला अपराध? और हमको भी एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है बस। है? ये करेक्ट है, रिपोर्ट लिखो। वो एक ऐसी महिला है ना जिसको आज की नारी और अपना रोजगार स्वयं अपने दम पर शुरू करने जैसा बड़ा नारी सम्मान मिला है। हमको भी उसी महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है मैडम। लेकिन अगर आप औरत होने के नाते एक दूसरी औरत के विरुद्ध अगर रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो हमें बताइए, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। आप बैठी, आप बैठी, 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 बैठी। ये केस यही दर्ज होगा और सुलझाया भी यही जाएगा। धन्यवाद मैडम। अब इस केस को दर्ज करके हम रिया को दिखा देंगे कि पुष्पा सिंह क्या चीज है और फिर उसकी किताब में हमारा नाम जरूर होगा। ये सिर्फ 2000 रुपए का है, ये देखिए। Excuse me, can you please tell me why are we here? हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ शॉप करना है? No, no. Here, show, भोकाल. भोकाल means? भोकाल. अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद. Oh my God. You mean respect? Yes. Hilarious. करिश्मा मैडम. जी, नाम. नमस्ते 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 नमस्ते. और भाई साहब सब ठीक, सब बढ़िया? कोई यहाँ पे आपको तंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपको बकैती तो नहीं कर रहा है आपके साथ, बताइए हमको. अरे मैडम, सब जानते हैं कि सारा एरिया आपके थाना क्षेत्र में आता है. हर किसी को मरना है क्या यहाँ कुछ गड़बड़ करके? और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं आप तो आप कह दीजिए. नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल मेरे मन में कुछ नहीं है. जाओ अपना काम करो. जी नमस्ते. ए छोड़ो छोड़ो मेरी चीज. अमाओ. ओह माय गॉड, कैच. अरे नहीं भैया, किस भैया चेंज हो रहोगे तुम? चेंज हो रहोगे ना? चेंज हो रहोगे? हिम्मत कैसे हो तुम्हें? उनकी नहीं मैडम, मैडम हाँ छोड़ दे ना, छोड़ दे मैं यहाँ छोड़ दे. चेंज मिल गया है मैडम. एक मिनट, एक मिनट मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही है? क्या मार रहे इसको? चोर देखकर चेंज चुराता है. नहीं नहीं नहीं, ये चोर नहीं है ये मैडम, ये मेरे फिल्म के हीरो और हीरोइन है. हम लोग फिल्म कर रहे थे अभी, ये देखिए सीन नंबर 2. अरे एक मिनट, फिल्म फिल्म होता है तो उसमें कैमरा होता है, उसमें लोग होते हैं, उसमें लाइट होता है. क्या टोपा बना रहे हो हमको, टोपा इंसान? अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं. कहाँ नहीं समझ रहे? फिल्म के राइटर डायरेक्टर कैमरामैन सब मैं ही, और ये शॉर्ट फिल्म ना मैं मोबाइल कैमरा से शूट कर रहा हूँ. ओह माय गॉड, इट मींस इट वाज फेक. हॉरर फिल्म करेंगी आप? पता, जाओ अपना काम कीजिए ना, आप जाइए, जो फिल्म बना रहे वो पूरी कीजिए पहले, और आप सब अपने काम पे जाइए, जाइए. तुम भागे क्यों? चलो. कहाँ है ये? क्या? इधर आइए. ये बाल सुना, ऐसा रेजगारी केस सॉल्व करेंगे ना तो आ गया हमारा नाम ऐतिहासिक बुक में. अरे छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है. विनीता बंसल, नाम सुना है आपने? नहीं, कौन है ये? अरे बहुत नामी गिरामी हस्ती है ये. हाँ, आज की नारी पुरस्कार भी मिला है उन्हें. और ये वरुण जिस पर केस करना चाहता है ना, उस क्लिनिक की करता धरता है वो. बहुत बड़ा केस, इसलिए हमने उसे बुलाया थाने.
पूछताछ के लिए। किस अधिकार से? नहीं, यहाँ थाने के ऐसा अहम है ना, तो हम बताएंगे ना किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। केस आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कीजिए 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 कीजिए, हाँ। फिर किसी मदद की उम्मीद मत कीजिए हमसे। अच्छा, आप मना कर रही हैं, अपनी सीनियर को मना कर रही हैं। हाँ, बता दें श्रेया को कि आपका नाम ना काबिल पुलिस कर्मियों की लिस्ट में डाल दे, बोल दे अभी। हाँ, अरे अब मजाक भी ना करें हम हमारी बहू से। बहू घर पे? हाँ, तो फिर घर आई फिर देखते हैं। मैडम एकदम सही कह रही है मैडम, ये बहुत पहुंची हुई चीजें भी नहीं था, पता है? ट्रीटमेंट के नाम पर ना लोगों को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ। एक नंबर की फ्रॉड है जी, फ्रॉड, हम कह रहे हैं आपको। ये सब सुन रहा था? ए, क्या रे? तो अभी तक इधर? तेरे को बोली थी ना मैं कि वो मर्दाना पुलिस स्टेशन में जाने का, कहीं के लिए खालू फोकट हम लोग का टाइम वेस्ट करता है। पर क्या रे डार्लिंग, क्या ऐसे चिल्लर केस में अपन टाइम वेस्ट करेंगे क्या? अरे मैडम सर, मैडम सर, आप शांत रहिए ना, हम बात करते हैं, आप शांत रहिए जी। भाई साहब, ये जो आपको रिएक्शन हुआ है, आपकी थेरेपी क्लिनिक की जो मालकिन निवेदिता बंसल, उनका क्या रिएक्शन था आपका ये रिएक्शन देखकर? वो तो साफ मुकर गई कि उसके ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है। कहती है उसके क्लिनिक के ट्रीटमेंट पेपर पर तो साफ साफ लिखा है कोई भी ट्रीटमेंट सेफ नहीं होता, साइड इफेक्ट तो किसी भी ट्रीटमेंट में हो सकता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी चालू औरत है मैडम। ठीक है, तो हम और मैडम सर, आप और हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो आपके सामने क्या जवाब देती है। ए, मैं काहे के लिए चलूं, मेरा क्या लेना देना, मैं नहीं आएगी। ये उर्मिला हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। उर्मिला का ऐसा रवैया देखकर कहीं रिया हम लोग पर बुक लिखने का प्लान चेंज ना कर दे।